हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। ये मैं आज जो पौधा दिखा रहा हूँ ये है चंपा का पौधा। ये सफ़ेद चंपा है। ये काफ़ी बड़े बड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इनकी अगर लोकेशन सही नहीं होती है, इनको कि ज़मीन में अगर लगाओ तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और मेरे यहाँ भी ये, मैं 1 साल से ऊपर हो गया इनको अपने गार्डन में लेके आया हूँ, जब जब से लेके आया हूँ, और इनमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। जब मैं लेके आया था इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी। ये रेड वाला चंपा है और इसको मेरे घर में बंदर बंदर बहुत आते हैं, तो उन्होंने गिरा दिया था, तो ये टूट गया था यहाँ से। इसको फिर यहाँ से निकल आई है ये, और ये देखिए फिर यहाँ से ग्रो कर गई है। जो इसकी दूसरी कटिंग लगाया था वो ख़राब हो गई थी। तो जैसा सभी लोगों ने मुझे बताया है, मैं उसके हिसाब से इसमें गुड़ाई करके और जो जो डालने को कहा गया है जिस हिसाब से, तो मैं आज इसमें इनमें यही करूँगा, जिसके कारण कि इसमें फ्लावरिंग आ सके। क्योंकि जब मैं लेके आया था तब इनमें फ्लावरिंग थी, लेकिन तब से जब से ये मेरे पास आए हैं तब से भी इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो मैं इनमें चाह रहा हूँ कि फ्लावरिंग आए। तो आज इन दोनों प्लांटों का, मेरा ये जो रेड चंपा है और ये दूसरा वाला जो मेरा वाइट वाला चंपा है, इनमें आज यही इनका ट्रीटमेंट होगा, इनको करूँगा। तो आपको भी बताऊँगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और अगर ये सक्सेसफुल रहा और इसमें आया फ्लावर्स, तो इसकी अपडेट्स ज़रूर आपको भेजूँगा मैं। तो ये है मेरा जो रेड चंपा है, इसमें भी और वाइट चंपा, उसमें भी इनमें थोड़ी सी जो इसमें जो मेरे को बोला गया है कि इस फॉस्फोरस रिच सॉइल, ये जब मैं लेके आया था तो यहाँ से निकला हुआ था, इतना ये ग्रोथ इसमें ले ली है। ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और जब मैं लेके आया था तो बहुत पॉली बैग में लगा हुआ था और उसमें अच्छे फ्लावर खिल रहे थे, पर इसमें तो मैंने 10 इंच में भी लगाया है, इसके बाद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, और पूरी गर्मी निकल गई, अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो आज मैं बस इन्हीं का ही ट्रीटमेंट करूँगा, और आप भी बताइएगा कि और क्या कर सकते हैं जिसमें इसमें इन पौधों में अच्छी से फ्लावरिंग हो जाए। चलिए, तो इन गमलों के लिए हम कार्य शुरू करते हैं, और इनके इनके लिए सॉइल या मिक्सचर क्या क्या लेना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने काउडंग लिया हुआ है, मैच्योर काउडंग है ये काफ़ी समय से था, और ये मेरी गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल मेरे यहाँ जो नीचे रखी हुई है बहुत, वो ब्लैक है, और ये फॉस्फोरस मैं मार्केट से लेके आया था, सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरस रिच है। उसमें मैंने ज़्यादा वाला नहीं लिया है कि जिसमें ज़्यादा फॉस्फोरस हो, क्योंकि काउडंग में पहले से ही फॉस्फोरस होती है। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। मिक्स करने से ये होगा कि, और मिक्स करके मिला ले रहा हूँ, और जो उस गमले से भी जो सॉइल निकलेगी उसको भी मिला करके इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए जिससे वो फॉस्फोरस है और जो काउडंग में भी जो मिनरल्स या जो भी हैं वो सारे के सारे मिल जाएं, इसलिए मैं अच्छे से पूरे के पूरे उस सबको मिला ले रहा हूँ। ये दोनों गमलों के मैंने 1 से 1.5 इंच के आसपास की मिट्टी निकाल दी है। ये मैंने पूरा उसको गुड़ाई करके आराम से
और थोड़ा सा गीली कर लिया था मैंने मिट्टी, इसलिए कि वो आसानी से फिर निकल जाती है, नहीं तो इससे ज़्यादा रूट्स डैमेज हो जाती हैं। तो इन दोनों गमलों की मैंने 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी को निकाल दिया है, और अब इनमें मैं जो मिक्सचर है वो भर दूंगा। ये जो मिक्सचर है उसको मिला ले रहा हूँ मैं, और इन गमलों में भर दे रहा हूँ। ये मैं ऊपर तक इसको भर दे रहा हूँ। ये देखिए, अच्छे से दबा करके मैं पूरी इसकी रिम तक इसको भर के फिर उसके बाद इसको दबा दूंगा। ये दोनों गमलों में ही मैं अच्छे से जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसको डाल दे रहा हूँ, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग आ सके। इसमें फास्फोरस रिच मैंने जो मिक्सचर बनाया है जिसमें फ्लावरिंग अच्छे से ये पौधा कर सके। देखिए, पूरा ऊपर तक मैंने अच्छे से भर दिया और दबा दिया है बस, और ऊपर तक मैंने इनको अच्छे से पानी दे दे रहा हूँ, जिससे जो सॉइल है वो अच्छे से सेट हो जाए पूरा। और इसमें जो भी अब अपडेट्स होगी, इसमें फूल आएंगे, मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड liking it।